बशीर बद्र जी का शेर है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अगर मन में हौसला हो, जज्बा हो, आत्मविश्वास हो और सही मार्गदर्शन हो, तो हर कोई शख्स सफलता की इबारत ज़रूर लिखता है। हाल ही में यूपी पीसीएस 2023 का अंतिम परिणाम जारी हुआ और उस रिजल्ट में आकार आईएएस की आकृति पटेल जी ने डिप्टी एसपी के पद को सुशोभित किया। तो आज हमारे साथ आकृति जी हैं, जो आप लोगों के साथ अपनी तैयारी से जुड़े हुए तमाम किस्से और अनुभव को साझा करेंगी। आकृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच और सर। उससे पहले आपको डिप्टी एसपी के पद पर चयनित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमें पता है कि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई तरीके की उहापोह होती है, पशोपेश होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी को एक अच्छा शेप, अच्छा आकार कैसे दिया जाना चाहिए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में जरा आप कुछ बताइए। जी बिल्कुल सर, मैं तो पहले ये बोलूँगी कि मैंने 2018 से तैयारी शुरू करी थी। ये मेरा छठवां प्रयास था जिसमें मैं सेलेक्ट हुई हूँ। तो 2018 से 2023 के बीच में जो भी प्रीलिम्स हुए हैं, तो कभी भी मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका है और हमेशा ही मैंने मेंस लिखा है, क्योंकि वो एक रणनीति सही सटीक बैठ गई जिसकी वजह से हमेशा ही प्रीलिम्स निकला है। तो मेरा ये था कि मैं एक बेस नोट्स अपने रखती थी और साथ में मैंने घटनाचक्र किया हुआ था, और घटनाचक्र को मैंने अपने नोट्स में ऐड कर दिया था जिससे दोबारा मुझे घटनाचक्र लगाने की आवश्यकता ना पड़े, और लास्ट में जब 15 दिन भी बचे हैं तब भी मैं उनको रिवाइज कर सकूं तेजी में। 2-3 घंटे में मेरा एक नोट्स रिवाइज हो जाता था जब मैं तेजी में करती थी। वो इसी कारण हो पाया क्योंकि मैंने घटनाचक्र अपनी ऐड कर ली थी नोट्स में। और दूसरी चीज़ जो मैंने करी वो ये था कि करेंट अफेयर्स पहले तो 1-2 साल जब मैं तैयारी शुरू करी तब मैं मंथली करती थी, क्रॉनिकल की जो पतली सी आती है। और उसके बाद मैंने ये शुरू किया कि करेंट अफेयर्स लास्ट में जो कंपाइलेशन आता है दृष्टि का या घटनासार का, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया और लास्ट के 1 महीने में उसी को पढ़ के दे आती थी, तो ऑलमोस्ट सही हो जाते थे क्वेश्चन। और तीसरी चीज़ ये थी कि मैंने टेस्ट सीरीज फॉलो करी है। टेस्ट सीरीज इसलिए कि जिससे मेरी मिस्टेक्स जो मैं वहाँ पे कर रही हूँ वो पहले ही रिजॉल्व हो जाएं, कि पुअर कंसंट्रेशन से हो रहा है या सेलिंग मिस्टेक्स से जो क्वेश्चन गलत हो वो एटलीस्ट ना गलत हो वहाँ पे, या गोला भरने में दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने टेस्ट सीरीज करी। और चौथी चीज़ जो करी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ से एक आइडिया लग जाता था कि आयोग कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। तो ये 4 चीज़ें मेरी हमेशा रहती थी और उसी चीज़ पे मैं फोकस रही, इधर उधर नहीं भागी, केवल मैं नोट्स अपने रिवाइज करती थी जो बने हुए थे, और उसी बेसिस पे 6 बार मेरे प्रीलिम्स निकला है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स ये गलतियां अमूमन कर देते हैं कि अगर उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा, टेस्ट पेपर्स लगा रहे हैं, और अगर उन्होंने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, देन उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उन गलत क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते, उनको प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके लिए एक नुकसानदेह साबित होती है। तो वो चीज़ें करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस पर भी थोड़ी। और टेस्ट सीरीज़ का, जी तो टेस्ट सीरीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आप नहीं बार बार गलत कर रहे हैं उन एरियाज पे फोकस करिए। मान लीजिए पॉलिटी के आर्टिकल आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि वो आर्टिकल प्रिपेयर हो जाए आपके, क्योंकि आयोग भी वहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो मिस्टेक्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और जो मिस्टेक से सीखता है वही आगे तक जा पाता है। पूरी तैयारी में टाइम मैनेजमेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? टाइम मैनेजमेंट सर बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा रेगुलर, अगर मैं 6 साल का अपना बताऊं तो मिनिमम 6 से 8 घंटे मेरी पढ़ाई हमेशा ही चली है, और ये तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में और ज़्यादा हो गई। जब 4 महीने का समय था तो मैंने टाइमर ले लिया था, स्टॉप वॉच, तो मैं उससे पढ़ाई करती थी। मिनिमम 8 घंटे हमेशा उस स्टॉप वॉच पे रहते थे और बाकी वो 11 से 12 घंटे भी बढ़ जाते थे। मैक्सिमम मैंने 11-12 घंटे पढ़ाई की है, मिनिमम 8 घंटे, मतलब वो 4 महीने डेली मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी है। तो वो शिफ्ट में पढ़ाई करती थी, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ये 3 शिफ्ट में
8 कुल घंटे मिला तक के ये कि 7 से 8 घंटे अगर हम रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्टिव आवर्स दे रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बिल्कुल। बाकी जो 15-16 घंटे का प्रोपेगेंडा है वो एक तरीके से कामयाब नहीं होता है। मुझे लगता नहीं कि 15-16 घंटे कोई पढ़ भी सकता है, क्योंकि जीवन में और भी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। आपको सोना भी प्रॉपर है, अगर नहीं सोएंगे तो लॉन्ग टर्म में आप मेंटली अनफिट हो जाएंगे, इसलिए और कहीं ना प्रॉपर कहीं सोइए। मुझे लगता है शायद बुक के साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में एग्जाम एक प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड भी होता है जो हमें हमारे बिल्कुल सराउंडिंग में बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल तो उसको भी एक्सपीरियंस करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, इन सब के साथ में आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपने प्रीलिम्स हर बार निकाला और मेंस आपने हर बार ऑलमोस्ट दिया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद मेंस में आपको फेलियर मिला, तो उस फेलियर से ओवरकम कैसे हुई और मेंस आंसर राइटिंग को आपने कितना ज्यादा इम्प्रूव किया, उस पर थोड़ी बात। तो मैं पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने 2018 में प्रीलिम्स मेंस लिखा और उस साल मेरी इंटरव्यू कॉल हो गई, तो मुझे लगा कि ये बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। तो फिर इंटरव्यू में जब नहीं हुआ और फिर लगातार मैंने 19, 20, 21 का मेंस लिखा और उसमें नहीं हुआ, तो बहुत ये लगा कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो हो रही हैं। तो मैंने मिस्टेक्स अपनी रिजॉल्व करना शुरू किया, उस पर ध्यान देना शुरू किया। तो ये मैंने पाया कि नोट्स प्रॉपर नहीं बने हुए थे। नोट्स हर सब हर जीएस के चारों पेपर के हर टॉपिक के नोट्स नहीं बने थे, और दूसरा उन नोट्स का जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो मैंने कंटेंट पे बहुत फोकस किया और नोट्स के हर सिलेबस के हर टॉपिक के नोट्स बनाए और खुद से नोट्स बनाए, और निरंतर मैंने अभ्यास किया टेस्ट सीरीज में। यही मैंने ज्वाइन करी थी आकार आईएएस में ही, तो 25 तक टेस्ट मैंने लिखे, 20 सर के थे और 5 मैंने खुद से पीवाईक्यू अपने लगाए थे जो प्रीवियस ईयर के थे मेरे टेस्ट, तो एग्जाम के प्रीवियस ईयर के। तो यहीं पे आके मैंने लगातार वो अभ्यास किया है। तो कंटेंट आप अपना तैयार करके रखिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं मेंस के लिए तो आप पहले ही बाहर हैं, ये मान के चलिए। वो एक आइडिया लग जाता है दैट कैसे एक आंसर को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, डाटा और रिपोर्ट मतलब चीज़ें जो है फैक्ट रख कैसे मेंशन करने हैं, तो चीज़ का आइडिया ओवरऑल कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज के बेसिस पे लग जाता है। कई बार क्या होता है कि हम अपना 100% पूरा प्रिपरेशन में देते हैं और उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमें फेलियर देखने को मिलता है, तो उस फेलियर से मन में एक कौतूहल हो जाता है, मन थोड़ा अशांत सा रहता है और मन में शायद कहीं ना कहीं यही आता है सवाल कि अब बस, अब शायद आगे नहीं होगा, तो वो चीज़ शायद आपने भी एक्सपीरियंस करी, तो उस चीज़ को ओवरकम करके देन उसके बाद फिर उसी एनर्जी के साथ में लगना, तो वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा या कितना आपने उसको आसान किया, तो उसके बारे में थोड़ी बात। तो सर मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं और 5 में असफलता मिली है, और उसमें 2 बार इंटरव्यू भी दिया है। तो वो बहुत दिल के करीब है कि उसको कैसे आप फिर से उठ खड़े हों और लग जाएं। तो मेरा पहले तो ये था कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। मिस्टेक्स मैंने रिजॉल्व किया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तब फिर मिस्टेक्स हटाई अपनी, जो भी मैंने तैयारी करी और टेस्ट सीरीज लगाया, और साथ ही मैंने मेडिटेशन शुरू किया जिससे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। मैंने मेडिटेट किया सुबह शाम, सत्संग सुने, सद्गुरु ओशो सबको मैंने सुनना शुरू कर दिया जिससे कि नेगेटिविटी दिमाग से चली जाए। तो वो कहते हैं ना, विवेकानंद जी ने कहा है कि विचार व्यक्तित्व की जननी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो विचारों पे मैंने बहुत ध्यान दिया है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने day 1 से इस बार प्रीलिम्स के बाद सोच लिया था कि इस बार मैं एसटीएम हो रही हूँ। तो वो विचार ही कहीं ना कहीं थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और दूसरा, टेस्ट सीरीज निरंतर करती रही। मैं आलमबाग से आती थी अलीगंज, और सर के अंडर में निरंतर अभ्यास किया है, टेस्ट सीरीज प्लस मेडिटेशन। ये सब मेडिटेशन करने से फोकस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, चारों तरफ की चीजें डिस्ट्रैक्शन सब खत्म हो गए और फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और नेगेटिविटी चली गई दिमाग से कि 5 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो 6ठवें में क्या होगा। ये था कि इस बार तो हो ही रहा है, बस इस बार हो रहा है। तो वैसे ही मुझे रास्ता दिखता चला गया और वैसे ही सारी चीजें होती चली गई मेरे साथ। मतलब ये है कि कहने का, अगर आप किसी चीज में लगे हुए हैं तो ओवरऑल आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करें, अच्छी सराउंडिंग के बीच में रहें और अच्छा सोचें, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, और यही वो रिजल्ट है कि आज आप डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुई हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आकार आईएएस की भूमिका को आप अपनी सफलता में कहाँ देखते हैं? मैं तो सर से हमेशा ही कहती थी मेरा दूसरा अगर आकार आईएएस बन गया है, तो 4 महीने जो मैंने प्रैक्टिस करी है यहीं पे करी है।
जब भी मन करता था सर से कॉल पे बात हो जाती थी, सर मोटिवेट हमेशा करते थे। ब्रिजेश सर के अंडर में मैंने टेस्ट लिखे हैं, तो उन्होंने डे वन से, टेस्ट वन से और टेस्ट 25 तक लगातार उन्होंने मेरी कॉपी चेक करी है और निरंतर बोला है कि इस चीज़ पे काम करो, या हमेशा बोलते थे इस बार तुम्हारा हो रहा है, तो वो एक मोटिवेशन बना रहता था कि नहीं चलो इस बार हो रहा है। तो आकार आईएएस ऐसा है कि मैं घर के अलावा अगर 4 महीने में कुछ करी हूँ तो वो आकार आईएएस में हफ्ते में 2 बार आती थी, और सर के अंडर में काम किया है पूरा, तो बहुत भूमिका रही है ब्रिजेश सर की, पल्लवी मैम की, अतुल सर की, अतुल सर ने कॉपी बना बना के दी है, तो वो जानते हैं कि 9-9 घंटे मैंने बैठ के लिखा है यहाँ पे एग्जाम से 3 दिन पहले, मतलब एग्जाम के 1 हफ्ते पहले 3 दिन लगातार मैंने 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 9-9 घंटे लिखा है। तो आकार आईएएस का बहुत बड़ा रोल हो रहा है, तो मैं सर को थैंक यू भी बोलूंगी कि उन्होंने एकदम घर जैसा माहौल था, जैसे आप परिवार में रहते हैं मोटिवेट करते हैं, वैसे ही आकार आईएएस का माहौल रहा है, तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम मैम। एक्चुअली और उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि आप जैसे जिस जर्नी में चल रहे हैं अभी, और उसमें ये है कि अभी आपने जैसे बोला कि आपका एक एम्बिशन था कि आपको एसडीएम के पद पे चयनित होना है, अभी आप डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुई हैं, देन उसके बाद में आगे अभी ये सिलसिला, ये सफर जारी रहेगा कि अभी ब्रेक लेना है थोड़ा? बिल्कुल सर, ये अभी संघर्ष जारी रहेगा और जब तक वो लक्ष्य नहीं मिल जाता, वहां तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये चलता रहेगा। वही है कि आप जब जिस चीज को सोचते हैं और उस चीज के लिए अगर आप मन से मेहनत करते हैं, और अगर आपने 5 असफलताओं के बाद में एक सफलता प्राप्त की है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी और आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फेलियर एक जेस्चर होते, एक सिग्नेचर होता है कि हाँ अभी आगे जीवन में और मुकाम कहीं हासिल करने हैं, और जैसा कि महान हस्तियां भी इतिहास में रही हैं, उनको ये कामयाबी मिली है कई सफलताओं के बाद में, और एक बार फिर पूरी आकार टीम की तरफ से आपको इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आपका ये सफर निरंतर जारी रहे और आप राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपनी एक सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और बाकी अभी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका कोई फाइनल मैसेज हो तो आप दे दीजिए। निरंतर लगे रहो, क्योंकि मैंने यही सीखा है कि अपनी गलतियों से सीखो, और जो भी मिस्टेक्स हुई हो पिछली बार उनको रिजॉल्व करो, उनको देखो और फोकस हो जाओ, सारी चीजें दुनिया से हट जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, लेकिन पढ़ो, अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पे लगो। मैंने तो यही किया था, 2023 के प्रीलिम्स के बाद मैं अंडरग्राउंड ही हो गई थी, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, केवल मैंने पढ़ाई करी है और 8 घंटे रेगुलर और टेस्ट लिखे हैं, और जो जो गलतियां हो रही थी उन पे काम किया है, इसी वजह से शायद मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और नकारात्मक चीज़ों को अवॉइड कर जरूर करो, और उसके लिए जो भी करना पड़े, आपको मेडिटेशन करना पड़े, आपको सत्संग सुनना पड़े, कुछ भी करिए, लेकिन दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए, थॉट्स को कंट्रोल करना सीखिए, वो बहुत ज़रूरी है जिंदगी में। तो आप निरंतर अभ्यास करेंगे, आपको ज़रूर आउटपुट मिलेगा, तो आप काम करते रहिए। जैसा कि हमने आकृति जी से बात की और उनके सफ़र के बारे में जाना, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे स्ट्रैटेजी और एक अच्छी रणनीति के साथ में लेकर चलिए, और आपकी रणनीति आपकी सुविधा अनुसार होनी चाहिए, ना कि किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी पोटेंशियल को जितना अच्छे से समझ सकते हैं उतना शायद ही कोई समझ सकता है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी, उसके साथ साथ में एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट, 15-16 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8-9 घंटे अगर आप रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं और प्रोडक्टिव दे रहे हैं, तो आपकी सफलता के लिए वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि प्रैक्टिस आपके वीकर सेक्शन को जानने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और उसके साथ साथ मेडिटेशन, नेगेटिव एनर्जी से दूर होना, अपनी सराउंडिंग में थोड़ा इन्वॉल्व होना, यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सफल होने में कामयाब बनाएंगी। धन्यवाद।